नमस्कार, मैं प्रियंका झा, एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के द्वारा आयोजित वन डे ऑनलाइन पैनल डिस्कशन आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में इस आभासी पटल पर आप सभी विद्वजनों का, सभी सूधी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ इस चर्चा में उपस्थित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से प्रोफेसर मनीष जी, भोपाल से प्रोफेसर तपन आर मोहंती जी, जेएनयू से डॉक्टर अंशु जोशी जी और एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी, आप सभी का आज़ादी के इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। वास्तव में ये महोत्सव जो है केवल महोत्सव ही नहीं है, बल्कि स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत महोत्सव है। यह महोत्सव भारत की आज़ादी के इतिहास का, नए संकल्पों का महोत्सव है। यह महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के आगाज का, भारत के विश्वगुरु बनने के एहसास का महोत्सव है। हर भारतीय जन के मन का उत्सव का, आज़ादी का अमृत महोत्सव यह है। तो भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक बहुत छोटा वीडियो क्लिप है जो अमृत महोत्सव को बहुत ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति देती है। तो आइए देखते हैं यह वीडियो। जाहिद जी, आप इसे अलाउ कर दें। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास, अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई, एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई, लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा, अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा, लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत, आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं हूं, राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई, उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई, सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन तीन शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है।
स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो क्लिप, कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरह भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को बताते हुए यह वीडियो थी। आज हम सब यह एक दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें कि हम सभी देश की अखंडता, एकता और प्रेम की भावना को बनाए रखेंगे। आजादी को अक्षुण बनाए रखने के लिए हम सब मिलजुल कर अपना योगदान देंगे। देश के सच्चे वीर साधकों के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैं विधिवत स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी को। आपने अपनी एमफिल और पीएचडी जेएनयू से की है। आप आईसीएसएसआर में पोस्ट डॉक फेलो भी रह चुके हैं। आपकी अभी तक लगभग 16 पुस्तकें संपादित हो चुकी हैं। आप एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के कोऑर्डिनेटर के साथ साथ सो संवाद रिसर्च फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे हैं। आप अकादमिक जगत बायलिंगुअल पत्रिका के प्रधान संपादक भी हैं। आमंत्रित है डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के जो आमंत्रित वक्ता है डॉक्टर अंशु जोशी जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, डॉक्टर तपन महंती जी भोपाल से, डॉक्टर मनीष जी प्रोफेसर मनीष जी इनफैक्ट प्रोफेसर तपन जी मनीष जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से। तो मैं आप सबका सबसे पहले हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा और आपको ये सूचित करना चाहूँगा, हालांकि आप जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित हमारे दो दिवसीय जो कार्यक्रम है इसका ये दूसरा सत्र है। पहला सत्र सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक हमारा पहला सत्र चला था, ये दूसरा सत्र हम यहाँ पर है। और जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये हमारे आदरणीय और सबके प्रिय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है। उनके माध्यम से हमें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के बारे में हमें पता चला और हमें प्रेरणा मिली कि भारत इतने संघर्षों के बाद 75 सालों में भारत का क्या इतिहास था, भारत ने क्या हासिल किया और आने वाले दिनों में जो जिस तरह से परिवर्तन, जिस तरह की पद्धति हम अपना रहे हैं देश को आगे ले जाने के लिए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत की भविष्य कैसा हो सकता है और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमें किस प्रकार संकल्पित होना चाहिए, ये हमारे इस अमृत महोत्सव के जो ये पूरे वर्ष भर चलने वाले कार्य एक तरह से एक आयोजन आप कह सकते हैं, एक महोत्सव है और एक सेलिब्रेशन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो आज हमने शुरू की है इसका ये उद्देश्य है। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, जैसे हमारे सारे वक्ता पहले से ही जानते हैं कि हमारा उद्देश्य हमारे अतीत को जानना, हमारे वर्तमान की उपलब्धियों को समझना और उसके साथ साथ
जो भविष्य की हमारी संकल्पना है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे इस सत्र में हमारे जो वक्ता है आदरणीय वक्ता, इनके चर्चा का मुख्य विषय रहेंगे। तो विषय को मैं ज्यादा स्वागत के रूप में और ज्यादा विस्तार नहीं देना चाहूँगा। एकेडमिक पॉलिटिकल विंग एक ऐसी संस्था है, इसको शुरू में हम लोगों ने एक ग्रुप के रूप में तैयार किया था, जिसमें हमारे आदरणीय वक्ता अंशु जोशी जी शुरू शुरू में आप भी इसमें शामिल थी, इसके फाउंडर मेंबर की तरह आपने भी काम किया है और आज भी ये संस्था बन रही है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में एक मजबूत संस्था बनेगी। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्रवादी विचार मतलब एक तरह से राष्ट्रीय दृष्टि से हमें एकेडमिक को समझना है। जो एकेडमिक हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दृष्टि है उसको हमें राष्ट्र की दृष्टि से, अन्य किसी दृष्टि को साथ में लेते हुए भी राष्ट्र की जो जरूरत है, राष्ट्र की जो आवश्यकता है और राष्ट्र की जो प्रेरणा है उसको सामने रखते हुए हम इस मंच में विचार विमर्श करते हैं। और इसीलिए भी हमने इस मंच का नाम भी एक राजनीतिक विचार मंच कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग साथ मिलकर एक अच्छी कनेक्टिविटी पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में एक दिन हम स्थापित कर पाएंगे, ये हमारी आशा और उद्देश्य है और हमारा दृढ़ विश्वास भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे सारे वक्ता और उसके साथ साथ जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देखने वाले पूरे विश्व भर से, पूरे विश्व के लगभग 35 देशों के लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी है अभी, तो वो सारे लोग हमें देखेंगे। हो सकता है लाइव कितने लोग देख पाएंगे, कितने लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये कार्यक्रम जिसे सोशल मीडिया पे सेव रहेगा तो दिन प्रतिदिन यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इसको हमें लोग देखते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रियंका से निवेदन करता हूँ कि आप आगे संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद जी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अंशु जोशी जी। बिफोर इनवाइटिंग हर आई वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हर। डॉक्टर अंशु जोशी इज प्रेजेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अंशु इज अ डॉक्टरेट फ्रॉम डिप्लोमेसी एंड डिजार्ममेंट डिवीजन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू and works on issues related to terrorism, Islamic terrorism, feminism, security studies, media, and so on. She also writes on contemporary political and social issues. She has 100 plus academic and popular articles published in reputed international and national journals, newspapers, magazines, and websites. She is the writer of the book, JNU mein ek ladki rehti thi, aur abhi bhi ma'am, दो किताब पे और काम कर रही हैं जो शायद अगले महीने तक हमारे सामने होंगी। तो नाउ आई इनवाइट डॉक्टर अंशु जोशी टू प्लीज डिलीवर हर स्पीच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, विशेषकर इतने सुंदर स्वागत और इतने सुंदर परिचय के लिए। आदरणीय प्रोफेसर मोहंती, प्रोफेसर मनीष, डॉक्टर जाहिदुल दीवान, प्रियंका और एकेडमिक पॉलिटिकल विंग की डायनामिक टीम के सभी सदस्य और वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, जैसा कि जाहिद ने बताया, काफी देशों से कई लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो ऐसे सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज एक बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम सभी को यहाँ बुलाया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जयशंकर प्रसाद जी की लिखी इन कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज के अपने वक्तव्य का प्रारंभ करना चाहूंगी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाण अग्नि से जलो, अराति सैन्य सिंधु में सुवाण अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। हम सभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं,
इससे बढ़कर अमृतमयी हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। हम सिर्फ याद कर सकते हैं, परंतु जिन लोगों ने परतंत्रता की पीड़ा भोगी है वे ही समझ सकते हैं कि आततायी ब्रिटिशों ने किस तरह हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया, किस तरह हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को बदलने का, छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, किस तरह हमसे हमारी ही संस्कृति छीन ली। निस्संदेह स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले इन सभी सेनानियों का हम जितना भी वंदन करें कम है। एक और बात, कई ऐसी अनकही अनसुनी दास्तानें उन परवानों की, उन योद्धाओं की भी है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया, पर वे शांत रहे। अपनी कहानी उन्होंने कभी किसी के सामने नहीं रखी। शांत रहकर भी ब्रिटिश राज से बड़ा लोहा लेने वाले ऐसे कई वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पत्रकार, महिलाएं, बच्चे और भी कई ऐसे लोग हैं जिनका स्मरण, वंदन और नमन हम सभी को रोज करना चाहिए। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने एक राष्ट्र के रूप में एक नई यात्रा प्रारंभ करी और इस यात्रा में हमने कई पड़ाव तय किए, कई चुनौतियों का सामना किया, कई उपलब्धियां भी अर्जित की। अब हम जहां खड़े हैं वहां समय है भविष्य की ओर देखने का। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हम जिन विचारकों, सेनानियों, योद्धाओं को याद कर रहे हैं उन सबके कुछ न कुछ स्वप्न थे। आज समय है उन सभी के स्वर्णिम स्वप्नों को साकार करने का जो भारत से जुड़े थे। पिछले कुछ वर्षों में निश्चित तौर पर हमने वैश्विक से लेकर स्थानीय स्तर तक कई प्रयास इस दिशा में किए हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र हो, या कूटनीति हो, या सुरक्षा हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दे हो। हम आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अपने लिए नए अवसर तलाश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। पिछला और ये साल निस्संदेह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा। COVID-19 ने पूरे विश्व में कहर बरपाया जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था, परंतु समस्त चुनौतियों के बीच भी हम एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व राजनीति के पटल पर उभर कर सामने आए, इसमें कोई संदेह नहीं। और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक जगत में यह शक्ति, यह स्थान कैसे अर्जित किया। मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ाती हूं और इसीलिए कहीं ना कहीं इसके सैद्धांतिक पक्ष पर जाकर यह कहना चाहूंगी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंधों में किसी भी राष्ट्र की शक्ति और उसका स्थान उसकी आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु से निर्धारित होती है, और वो है उसके शासक या उसके नेता का स्वरूप और स्वभाव। किसी भी राष्ट्र के साथ संबंध किस दिशा में ले जाने हैं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने राष्ट्र की छवि को निर्माण को रखकर कौन से मुद्दे रखने हैं, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंधों को कैसी दिशा देनी है, कितनी गति देनी है, कैसी गति देनी है, ये सब किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक प्रतिनिधि से ही निश्चित होता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम विश्व राजनीति का अध्ययन करते हैं और शासकों और नेताओं के प्रकारों को देखते हैं तो हम उनके स्वभाव का भी अध्ययन करते हैं, और विभिन्न राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कालक्रम का अध्ययन उनके प्रतिनिधियों के आधार पर बटा होता है। जैसे कि जब हम भारत के विश्व के साथ संबंधों को देखते हैं तो हम विभिन्न काल, नेहरू काल, इंदिरा गांधी काल, राजीव काल, अटल बिहारी वाजपेयी काल, नरेंद्र मोदी काल, इस तरह से हम विभिन्न कालखंडों का अध्ययन करते हैं। तो यदि वैश्विक पटल पर भारतीय प्रतिनिधियों के हिसाब से देखें तो 2014 के बाद का समय निश्चित ही हमारे देश को शक्ति की नई ऊंचाइयों पर ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और पिछले और इस वर्ष में यदि हम झांक कर देखें तो हमने कई कूटनीतिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जगत में उपलब्धियां अर्जित की हैं। G20 की 2023 में होने वाले सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मा हमने लिया। सऊदी अरब में हुई G20 की बैठक में भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों को प्रभावी तरीके से अपने पक्ष के रूप में सामने रखा, जिसमें कहीं ना कहीं जलवायु समझौते से जुड़ी बातें और जलवायु से संबंधी बातें भी हुई। भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को आज पूरा कर रहा है बल्कि इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ भारत ने स्वच्छ जलवायु के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई काम किए हैं, और वैश्विक पटल पर इन सारी चीजों को सामने रखते हुए कई देशों को आज हमारा देश जोड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
फिर जब कोविड की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, चीन अपने अपनी हरकतों से बाज न आते हुए भारत और समूचे विश्व की सुरक्षा और शांति के लिए चुनौतियां उत्पन्न की। इन चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए हमने न सिर्फ चीन का सामना बेहद मजबूती के साथ किया है, क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के माध्यम से भारत ने चीन के विस्तारवादी षड्यंत्रों को नाकाम करने का सफल प्रयास भी किया। क्वाड के सदस्यों यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने कई बैठकें इस दौरान की और इन बैठकों के दौरान न सिर्फ चीन के आक्रामक और कब्जा करने के रवैये की भर्त्सना पहली बार खुलकर की गई, साथ ही स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामूहिक दृष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी इन सारे शक्तिशाली देशों ने जताई। ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। चीन तथा पाकिस्तान जैसे देशों को यह स्पष्ट संदेश हमने दिया कि आज हमारे साथ कई शक्तिवान राष्ट्र हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए और विश्व शांति के लक्ष्य की पूर्ति के लिए साथ खड़े हैं। आज यदि आप देखें तो भारत की छवि वैश्विक पटल पर एक तीसरी दुनिया के देश से बदलकर एक तेजी से विकसित होते हुए देश के रूप में हुई है, और यह मानना होगा कि इसमें हमारे प्रतिनिधि का, हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहली बार जब सरकार बनी तो विश्व राजनीति में भारत की छवि मजबूत करने के लिए और अपनी बातें विश्व मंच पर रखने के लिए भारत सरकार ने गतिशील पहल की। हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए, वहां सामरिक मुद्दों पर भारत और फ्रांस के बीच नए संबंध, मजबूत संबंधों की नींव रखी गई। ब्राजील गए तो वहां के लोगों और राष्ट्रपति के साथ ऐसे सहज होकर घुल मिल गए कि वर्षों से ठंडे पड़े संबंधों ने वहां भी एक नई करवट ली और एक ब्राजील भारत संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ। आज ब्राजील और भारत ऊर्जा से लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। कोविड-19 से जूझते ब्राजील की जिस तरह से भारत ने सहायता की, राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने न सिर्फ उन्हें पत्र लिखा, धन्यवाद दिया, भारत की सहायता को हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाने के प्रसंग से भी जोड़ा। मतलब कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को भी उन्होंने स्वीकार, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के यदि अन्य देशों की ओर देखें तो वहां भी भारत धीरे धीरे अपने संबंध बेहतर करते जा रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। ऑस्ट्रेलिया की ओर जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संबंधों में न सिर्फ एक नया सकारात्मक अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई देता है, अपनी सशक्त किंतु मैत्रीपूर्ण छवि से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन के साथ भारत सरकार ने ऐसे सहज संबंध स्थापित किए हैं कि मॉरिसन का समोसा प्रेम ट्विटर के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचा। संबंधों की ऊष्मा समोसों के पार सामरिक और व्यापारिक समझौतों में दिखाई पड़ती है। इस वर्ष एक वर्चुअल द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। इसी प्रकार यदि अमेरिका की ओर जाएं तो वहां पर भी सकारात्मक संबंधों का एक नया युग प्रारंभ दिखाई होता पड़ता है, चाहे भारतीय योग हो या भारतीय भोजन हो या सिनेमा हो या हमारे उच्च शिक्षित प्रवासी भारतीयों का समुदाय हो, अमेरिका में भारत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अमेरिका और भारत के कई उद्देश्य एक से होते हुए भी वर्षों से दोनों के संबंधों के बीच वो सहजता कभी नहीं दिखाई पड़ी जिसकी जरूरत थी, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी बाह्य शक्ति पर जरूर पड़ा। कहीं ना कहीं हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपने आप को मानते थे, कहते थे, किंतु कहीं ना कहीं रशिया से हमारी जो नजदीकी थी उसका भारत अमेरिका संबंधों पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा था। परंतु यदि आप 2014 के बाद देखें तो अमेरिका के साथ न सिर्फ हमारे संबंध बेहद मजबूत हुए, रशिया के साथ चले आ रहे हमारे सशक्त संबंधों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझने की बात है। जब ट्रंप पिछले वर्ष भारत आए तो पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार दो मित्र एक स्तर पर अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए मित्रता की डोर से बंधकर खड़े हैं और दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा, एक नई गति देने की पहल कर रहे हैं। भारत और अमेरिका आज कई आर्थिक, सामरिक क्षेत्र में साथ में काम कर रहे हैं, कई समझौतों पर साथ में काम कर रहे हैं, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध में तो दोनों देश पूरी तरह से एक साथ खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखना रहा कि भारत की छवि की ओर यदि देखें तो पहले विश्व के शक्तिवान राष्ट्रों के सामने हमारी छवि एक स्मॉल ब्रदर की तरह रहती थी, लेकिन यहां अब बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर की भावना समाप्त होती दिखाई दे रही है। जब आप भारत को देखें तो अन्य शक्तिवान राष्ट्रों के साथ भारत बराबर के स्तर पर, बराबर के मंच पर खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है।
जापान और कोरिया की ओर चले तो वहां पर भी भारत सरकार ने संबंधों को नई गति प्रदान की है। सुदूर पूर्व हो या पश्चिम हो, खाड़ी देश हो, लैटिन अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, आज भारत ने इन सभी देशों के साथ अपने संबंध सकारात्मक और सशक्त करने के कई प्रयास किए हैं और हमारी सॉफ्ट पावर का सकारात्मक असर कहीं ना कहीं सभी जगह दिखाई दे पड़ता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, कनाडा जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं और इन संबंधों का प्रभाव चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुता का भाव रखने वाले, आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों की हरकतों को रोकने के लिए निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज भारत की छवि देखें तो एक सहज, मिलनसार लेकिन शक्तिवान राष्ट्र की बनी है। हमने विभिन्न वैश्विक राजनयिकों के साथ मित्रता के नए सोपान गढ़े हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के समक्ष एक कठोर राष्ट्र की छवि प्रस्तुत की। हमने स्पष्ट संदेश दिए कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रहार सहन नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमने पाकिस्तान जैसे देशों को स्पष्ट संदेश दिया है कि हम किसी के दबाव में आकर आतंकवाद को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ना पीछे हटेंगे। आज जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, उसका उद्देश्य भारत को भारत तक सीमित रखना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसका उद्देश्य वैश्विक रहते हुए भी अपने स्थानीय को, अपने लोकल कल्चर को, अपने लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना है ताकि भारत आर्थिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक प्रगति भी कर सके। वैश्विक स्तर पर बेहतर छवि और संबंधों के साथ निश्चित रूप से हम तत्कालीन और दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति कर पाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें कई प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ करेगी सिर्फ सरकार करेगी, ये मानसिकता कहीं ना कहीं हमें दूर करनी होगी। COVID-19 के इस कठिन काल में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और विश्व शक्ति भारत के लक्ष्य को लेकर के काम किए हैं, निसंदेह वो बधाई की पात्र है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और यदि इसको पूरा करना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं अपने आंतरिक स्तर पर देखना होगा, अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर हमें साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, हम विश्व राजनीति में नए नए प्रगति के सोपान छू रहे हैं, लेकिन जब हम देश के अंदर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर हंगामा करके तोड़फोड़ कर संसद की मर्यादा भूल गए। उनको न अपने समय बर्बाद होने की चिंता है, न सदन का समय बर्बाद होने की, न लगभग 112 करोड़ के नुकसान की, न इस बात की संसद में सवाल जवाब, एक लोकतांत्रिक चर्चा, वाद विवाद, कहीं ना कहीं जनता का भी अधिकार है। हंगामे की राजनीति करने वाले स्वयं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन इस देश में शाहीन बाग करा लेते हैं, पर सदन में चर्चा नहीं चलने देना चाहते। ये कारण कहीं ना कहीं हमें दूर करने होंगे, हमें समझने होंगे। वे लोग जो भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 के समाप्त होने पर, ट्रिपल तलाक जैसे स्त्री विरोधी कानूनों को समाप्त करने पर, आतंकवाद के विरुद्ध डटकर सामना करने पर, पाकिस्तान और चीन जैसे भारत विरोधी देशों को मुंह तोड़ जवाब देने पर और भारत के विश्व में बढ़ते कद और शक्ति से परेशान है, वे कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर जब कुछ और नहीं कर पा रहे तो बंगाल में हिंसा का सहारा ले रहे हैं, कश्मीर में अलगाववाद का सहारा ले रहे हैं, दिल्ली में शाहीन बाग का सहारा ले रहे हैं, किसान आंदोलन की आड़ में देश की प्रगति रोकने और चक्का जाम का सहारा ले रहे हैं। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि न सिर्फ संसद, इस देश को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी न सिर्फ भारत सरकार की है, कहीं ना कहीं विपक्ष की भी और जनता के रूप में हमारी भी है। विपक्ष स्वस्थ वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सरकार के साथ एक सार्थक निर्णय तक पहुंच सकता है, पर आज स्थिति बहुत भिन्न नजर आती है और हम देखें तो कहीं ना कहीं मतभेद से ज्यादा मनभेद हमें नजर आते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पिछले एक वर्ष से हम COVID-19 का सामना कर रहे हैं, तेजी से म्यूटेट होने वाले इस वायरस के आगे पूरा विश्व हार गया, पर हम डटे रहे। पहली लहर के समय को यदि आप याद करें तो तब अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस जैसे शक्तिशाली और साधन संपन्न देश भी इस महामारी का सामना नहीं कर पाए थे, पर भारत सरकार ने तब लॉकडाउन का निर्णय लिया क्योंकि अपने यहां बहुत घनत्व वाली जनसंख्या है और कहीं ना कहीं कोविड के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन का निर्णय उपयुक्त था। ऐसे समय जब भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के उपाय देख रही थी, ढूंढ रही थी, तब भी कई लोगों ने कोविड के नाम पर इस देश में राजनीति की।
सरकार के अपने लोगों के साथ खड़े होने की बजाय ऐसे कई लोग हैं, ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्होंने भोले भाले लोगों को भड़काया, वैक्सीन्स को लेकर अफवाहें फैलाई, कालाबाजारी की, लॉकडाउन का विरोध किया, पर जनता ने तब भी सब कुछ देखा और देख रही है। और इसी लॉकडाउन के दौरान आप यदि देखें तो अपने देश ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने सामने आई जिसका बेवजह विरोध किया गया, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि नई शिक्षा नीति एक लचीली शिक्षा प्रणाली की बात करती है, तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रही, ठप्प नहीं पड़ी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 73 देशों के डेटा पर आधारित अपनी एक रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड COVID-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर ने भारत सरकार की इन सारे प्रयासों के लिए काफी सराहना की और ये कहा कि COVID-19 के प्रबंधन में अन्य देशों की तुलना में भारत अधिक सफल रहा। लेकिन ये सारी बातें हमारे देश में न सामने लाई जाती हैं, न इस पर चर्चा की जाती है। कहीं ना कहीं आप देखें कि कोविड के विरुद्ध वैक्सीन की रिसर्च में, इसके निर्माण में भी अपना देश अग्रणी रहा और आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है। मुझे बहुत गर्व होता है ये कहने में कि हम 50 करोड़ से ज्यादा डोज COVID-19 के विरुद्ध बनाए गए टीके की लगा चुके हैं और 70 से अधिक देशों को अपने देश ने वैक्सीन भेजकर सहायता की है। तो हमें समझना होगा कि हंगामे की राजनीति करने वालों से, अफवाह फैलाने की राजनीति करने वालों से दूर हटकर कहीं ना कहीं हम ये देखें कि हम एक नए राष्ट्र की संकल्पना के रूप में आज क्या अर्जित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किन नए लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोविड की वजह से अकेले हमारा ही नहीं, पूरे विश्व का आर्थिक विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। सभी देशों में मूल्यों में वृद्धि और आर्थिक चुनौतियां सामने आई और सभी को इसका सामना करना पड़ रहा है। हम ये सामना कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोविड की वजह से उपजी चुनौतियों से उबरने के लिए भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों को, उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों का प्रभाव है कि अपना जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फ्लो 2019 में $51 बिलियन से बढ़कर 2020 में $64 बिलियन तक पहुंचा, जो कि 25.4% की बढ़त है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे हमारा देश विश्व के 8वें स्थान से बढ़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता बन गया। इसी तरह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच देखें तो अपने पेट्रोल और डीजल से उत्पाद शुल्क संग्रह 3.35 लाख करोड़ हमें मिला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड संग्रह है। और निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हमारे ही लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाने में और उनकी सहायता करने में हो रहा है। तो हम बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नए भारत की संकल्पना, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, विश्व गुरु भारत की संकल्पना लेकर हम इसकी दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। तो हमें बनाना है एक समग्र भारत, हमें बनाना है सुरक्षित भारत, हमें बनाना है सशक्त भारत, समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत, समृद्ध भारत। और आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि मतभेद हो जाएं पर मन भेद नहीं होने चाहिए। हम सभी अलग अलग दिशाओं में बढ़ते अपने राष्ट्र को अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं ये हमें सोचना होगा और इसके दिशा में हमें कहीं ना कहीं काम करने होंगे। नकारात्मक शक्तियां हमारे राष्ट्र की प्रगति पर प्रहार करती रहेंगी, किंतु हम 130 करोड़ भारतीय इन्हें किस प्रकार से जवाब देते हैं, किस तरह से समझाते हैं कि राष्ट्र हंगामा करने का, अफवाहों की राजनीति करने का स्थान नहीं है। सार्थक चर्चाएं, निर्णयों का स्वागत होना चाहिए और सकारात्मक योगदान का स्वागत होना चाहिए और इसी के द्वारा हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, वैश्विक शक्ति बना सकते हैं। तो हम अपना अपना योगदान इस यज्ञ में देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। भारत को विश्व गुरु बनने तथा विश्व शांति स्थापित करने के लिए भारत के योगदान को आपने बहुत अच्छे और प्रमाणिक ढंग से आपने बताया मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विशेषकर 2014 से अभी तक का जो भारत सरकार के द्वारा किए गए योगदान है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको बहुत अच्छे से आपने बताया, जिससे कि भारत जो है एक नए संकल्प की भारत की ओर बढ़ रही है और विश्व गुरु बनने के कगार पे है या विश्व गुरु अब बनने वाले ही, ऐसा हम समझ सकते हैं। और उसके लिए लेकिन हम सभी को, भारत के प्रत्येक जन को अपना अपना योगदान देना आवश्यक है।
पशु या पक्षी कोई भी परतंत्रता के बेड़ियों में नहीं रहना चाहता। फिर तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य को स्वतंत्रता बहुत प्रिय है और भारत की को आजाद कराने में ना जाने कितने वीर पुरुषों ने बलिदान दिए। उन अनाम अनगिनत शहीद हुए बलिदानों का परिणाम स्वरूप ही आज हम यह जो अमृत महोत्सव है मना पा रहे हैं। तो मैं उनको नमन करती हूँ और उनके प्रति मैं नतमस्तक होती हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर तपन आर मोहंती जी। प्रोफेसर तपन आर मोहंती इज प्रेजेंटली वर्किंग एज अ प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन इन सेंटर फॉर सोशियो लीगल स्टडीज नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। ही इज रिटन मेनी आर्टिकल्स। ही इज मेंबर ऑफ स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ इम्प्लीमेंशन ऑफ PCPNDT एक्ट इन मध्य प्रदेश। अ फॉर्मर मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ NLIU भोपाल। नाउ आई इन्वाइट फॉर प्रोफेसर तपन आर मोहंती टू प्लीज डिलीवर हिज स्पीच। थैंक यू प्रियंका। मुझे बहुत आनंद अनुभूत हो रहा है कि आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है और इस अवसर पर मेरे साथ जब अंशु जी ने बात की और इतना अच्छी तरीके से उन्होंने वर्तमान भारत की स्थिति और भारत को आगे बढ़ने के जो दिशा संबंध में बातचीत की, ये अत्यंत उद्दीपक है। और मेरे साथ मेरी मित्र मनीष भी है, जय ले, और आप सभी जो एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के सदस्य हैं, मैं सभी को साधुवाद ज्ञापन करता हूं। और विश्व स्तर में और हमारे जितने श्रोता हैं उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मुझे आनंदित होने का एक बड़ी कारण यह है कि आज जो हम लोग भारत की आजाद की अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 75 साल उत्सव पर सब एकत्रित हो रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इन 75 साल में 75 साल में हमारा उपलब्धि क्या रहा है और हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या हमारा क्या कमियां रहा है। उस संबंध में जो बातचीत करने के जो आदान प्रदान चल रहा है राजनीतिक रूप में, बौद्धिक रूप में, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम परिकल्पना नहीं कर सकते, अगर हम किस चीज का विश्लेषण नहीं कर सकते, तब जाहिर सी बात है फिर हम हमारा क्या कमजोरी है उसको समझ नहीं सकते। लेकिन मेरी इस मुद्दा पे जो बात की कहना है तो मैं उस संबंध में सिर्फ एक छोटा सा वो रखना चाहता हूँ कि जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं और जिन भूखंडों ने कि सपूतों ने उन संग्राम में अपने आहुति दिए हैं उनको संबंध में थोड़ा से बातचीत करना, क्योंकि बहुत सारे अनहेराल्डेड हीरोज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में भारत में छोड़ दीजिए, विश्व की तरह छोड़ दीजिए, बल्कि अपनी इलाका में भी उन लोगों के बारे में लोगों को पता नहीं होती है। इन छोटे छोटे मुद्दों, इन खुदरते मुद्दों को थोड़ा सामने लाने का मैं प्रयास करूंगा। और इस सबसे बड़ी और एक चीज है कि जब भारत की बात होती है तो बहुत अच्छी तरीके से अंशुल जी बताएं, जयशंकर प्रसाद महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की कविता से, लेकिन मैं आज इस सत्र में, इस सभा में और इसके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि भारत की जो परिकल्पना है, भारत की जो वाक्षा है, भारत की जो देश है, ये एक आजादी के बाद ही आई है और एक परिकल्पना मात्र है और अथवा उसका स्थिति सांप्रतिक है, जिस बात को मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि मैं ये कहता हूँ महाकवि कालिदास की रचना में भारत की जो वाक्षा दी गई, जो जिस तरफ से वर्णना किया गया है वो कई प्राचीन है, जिस समय में लोगों को देश, खंड, समय,
कालखंड और परिचय के बारे में नहीं पता था। तब महाकवि कालिदास ने भारत की वर्णना करने के लिए अपने कुमार समूह में व्याख्या करते हैं, अस्ति उतरस्यंग दिशि नगाधिराज देवतात्म नाम हिमालय पूर्वापुर तयोनिधि पृथ्व्या इव मानदंड। उनका कहना कि अस्ति उतरस्यंग दिशि नगतत्म देवाधिराज, जो भारत की उत्तर प्रांत है उसमें उत्तर दे के जो हिमाद्री है, जो हिमालय है, और उस भूखंड के उत्तर में हिमालय है, और दोनों तरफ में पूर्व एवं पश्चिम में महासागर है, सागर है, और दक्षिण में महासागर है। और उनको कालिदास कहते हैं कि वो पयोनिधि अर्थात निधि संपदा, और पयो जल संपदा, जल संपद की बात हम आज कर रहे हैं विश्व स्तर में जो पारिवेशिक प्रदूषण हो रहा है, जल संकट हो रहा है, उसको देखते हुए हम कह रहे हैं ये संपदा है। लेकिन उन संपदा का व्याख्या तब महाकवि कालिदास ने किए थे, अतः भारत को परिचय कराए थे। और हमें ये गर्व की बात है कि भारत विश्व के एकमात्र राष्ट्र है जिसका नाम में एक महासागर को नामित किया गया है। लोग कहते हैं ये बंगोप सागर है, मैं कहता नहीं, अरब और बंगोप सागर नहीं। बंगोप सागर का पहला नाम लोग कलिंग सागर कहा करते थे, और कलिंग के बाद में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज का जो वक्तव्य मैं रखना चाहता हूं, मैं कलिंग के बारे में कहना चाहता हूं, उत्कल के बारे में कहना चाहता हूं, उड़ीसा के बारे में कहना चाहता हूं। क्योंकि जब हम भारत के स्वतंत्र समाज स्वतंत्रता सेनाने की बात करते हैं, भारत की स्वतंत्र आंदोलन की बात करते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि गांधी जी के अहिंसा आंदोलन को लोग मुख्य स्थान रखते हैं, जो सही भी है क्योंकि साहित्य में कहते हैं जो विजयी हुआ इतिहास समय समस्त और सदैव उसको व्याख्या करता है, उसके बारे में कहता है। इसलिए पैराडॉक्स कहते हैं हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ नो ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेट्स। सो जो अरिस्टोक्रेट्स हैं जो विजयी रहे हैं इतिहास सदैव उनका व्याख्या करता है। लेकिन मैं ही कहता हूं क्या पुराण की कहानी जो आख्यान है वृत्तासुर के वध अवश्य इंद्र ने किए हैं, लेकिन ये असंभव होता अगर दधीचि ने आत्मदाह करते हुए अपना अस्थि उनको प्रदान नहीं करते। तो हम उन दधीचि के बारे में बात करते हैं। चलिए हम और ले चलते हैं कि इन जो अनगिनत सैनिक है जिन उनका बख्शा नहीं होती है, जिनको याद नहीं रखा जाता है, तो थोड़ा उन वीरों के उन सपूत के बारे में बात करें और आप लोगों के समक्ष में उनका परिचय रखने प्रयास करें। क्योंकि जब हम बात करते हैं आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ब्रिटिश सरकार जो इतिहास लिखा है, और इतिहासकार में ये कहते हैं कि ये हिस्ट्री इज बाय एंड लार्ज जो इज मेड बाय द हिस्टोरियंस द रूलर्स। ये मार्क्स के बाद हम शायद हमेशा सहमत नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर मार्क्स ने अपने कहा अपने लेखा में लिखा भी कि इट्स ए थिएटर ऑफ अब्सर्ड और हिस्ट्री रूलिंग आइडियाज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास, द रूलिंग आइडियाज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास। जिन क्लास ने जिन वर्गों ने शासक शासन किए उस शासक वर्ग की विचारधारा ही देश के डोमिनेंट प्रभावशाली विचारधारा होते हैं। तो अतः जो विचारधारा प्रवर्तन किया गया कि आजादी के महोत्सव में आजादी के आंदोलन में सिर्फ एक तरफ रहा, सिर्फ गांधी जी का आंदोलन रहा, ये इतिहासकार का एक कहना है। और इसीलिए उन्होंने पक्षकार करते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे दो लोग कहे कांग्रेस का दो डिवीजन हुआ है, एक एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं और एक पैसिफिस्ट हुए हैं, हम लोग कहते हैं मॉडरेट से। लेकिन क्या आज़ादी के आंदोलन में मॉडरेट का सिर्फ दबदबा जरूर आ सकता है? क्या जो जिनको हमने एक्सट्रीमिस्ट कह दिए और उनको मार्जिनलाइज कर दिए, क्या उनका कोई भूमिका रहा नहीं? मैं मानता हूं
स्वामी अरविंद का दो भूमिका रहा है। एक उन्होंने एक सशस्त्र संग्राम को बात की, क्योंकि हमने सशस्त्र संग्राम को याद नहीं रखते हैं, हमें काकोरी ट्रेन का रबरी कहकर खत्म कर देते हैं। लेकिन ये एक रबरी नहीं थी, एक चोरी करने के मनसा में नहीं बनाया था, तो क्या हम उन लोगों को चोर कह रहे हैं? ब्रिटिश सरकार कहना तो जायज है, क्योंकि उनके खिलाफ लड़ाई था। क्या आजादी के 75 साल के बाद भी हम उन महानायकों को चोर कहेंगे? लेकिन हम कहते आ रहे हैं। क्या हम सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को हम टेररिस्ट कहेंगे? लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, हमारी पढ़ून, हमारी शिक्षा पद्धतियों ने और हमारे शब्दकोश ने इन महानायकों को जो स्थान देना चाहिए वो नहीं। आज भी वीर सावरकर को लेके, दामोदर चापेकर को लेके लोगों के बीच में भावनाएं आती कि नहीं नहीं ये तो टेररिस्ट है, ये लोग नहीं। लेकिन हो सकता है हम कहते हैं, जैसे अंशुल लेकर तो उनका मनभावना है, हो सकता है उनका माध्यम अलग था लेकिन लक्ष्य समान थे, तो हम उन लक्ष्य को ले जाना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं कलिंग की बात कहा, उड़ीसा की बात कहा, विषयांतर ना करते हुए मैं कहता हूँ कि जब हम सामग्रिक रूप में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न भिन्न खंड की भिन्न भिन्न कालों में लोगों का जो सहयोग रहा, जो उसको बात करते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि बंगाल के बहुत अच्छे काम किए, हम कहते हैं महाराष्ट्र में बहुत अच्छे काम किए, हम कहते सरदार पटेल गुजरात में अच्छे काम किए, लेकिन अक्सर हमने उड़ीसा के बारे में बात नहीं करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वो क्यों नहीं करते हैं? हो सकता है उड़ीसा के इतिहासकार का ये कमजोरी रहा है, जिन्होंने भारत के समक्ष में रख नहीं पाए, अथवा एक उड़ीसा के राजनीतिक दृष्टिकोण में अपटल से थोड़ा अलग रहा है, या अंग्रेज शासन में इनको इतना दबदबा रहा नहीं है, क्योंकि बड़ी भूखंड नहीं थी, तो इसलिए शायद हमारी जो चर्चा होती है इसकी बात नहीं होती। क्योंकि मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई है, तो हम आज भी उसको सिपाही विद्रोह का नाम कहते हैं, और बल्कि मार्क्स ने उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, आजादी का प्रथम आंदोलन कहा है, लेकिन हम आज भी सिपाही म्यूटिनी के नाम पे उसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लेता है कि वो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1817 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में पहले आंदोलन एक रूप में जो उभर के आया था वो उड़ीसा में हुई थी, और उसको हम पाइक विद्रोह कहते हैं। और पाइक शब्द का अर्थ शायद बाकी लोगों को नहीं पता होता है, पाइक को अगर आप विकिपीडिया देखेंगे वो कहता है वो मिलिशिया है, जैसे हम आज कहते हैं रणबीर सेनायक मिलिशिया है, हम कहते हैं तालिबान मिलिशिया है, मैं ये मिलिशिया शब्द से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अस्त्र धारण करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, समुदाय की सुरक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई गलत काम नहीं है। और इन लोगों ने जो पाइक हम कहते हैं, तो उनका दो रोल होता था, दो भूमिका होती थी, युद्ध के समय में सैनिक के रूप में काम करते थे, शांति के समय में रक्षी या पुलिस के रूप में काम करते थे, बाकी समय में उन लोगों के बीच में वो जमींदारी में थी, वो खेती भी करते थे, तो एक एग्रीकल्चरल और मिलिट्री ट्रेडिशन बचते हैं। लेकिन उसका इतिहास तब होता है जब हम अंग्रेजियत को देखते हैं, अंग्रेजी आक्रमण को देखते हैं, और उनने किस तरह भारत को कब्जा किया उसको देखते हैं, तो हमारे सामने तीन इतिहास आता है। हम कहते हैं देखिए ये बैटल ऑफ पलासी की बात करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं, और कहते हैं उसके बाद जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी का पार्ट था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद संपूर्ण रूप में। हम उड़ीसा को साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं होता है कि उड़ीसा का कुछ अंग स्वतंत्र थे, आजाद थे, और ब्रिटिश सरकार ने सबसे आखिरी में जिसको कब्जा किया 1803 में, मतलब लगभग 50 साल
पलासी के युद्ध के बाद उन्होंने उड़ीसा को अख्तियार किया, उड़ीसा को कब्जे में लाए। लेकिन तब तक उड़ीसा का राजाओं ने, उड़ीसा का जमींदारों ने, उड़ीसा का प्रजाओं ने, उड़ीसा का साधारण लोगों ने ब्रिटिश सियासत को खिलाफ आंदोलन करते रहे, लड़ते रहे, हारते रहे, मरते रहे। लेकिन उन्होंने अंग्रेज सरकार की बसत स्वीकार नहीं किया था तब तक 1803 तक। लेकिन 1803 से 1817 तक लगभग क्या आप देख लीजिए, मतलब 14 साल में 15 साल एक संगठित विप्लव के रूप में, एक संगठित विद्रोह के रूप में, क्रांति के रूप में लोगों ने बढ़ लेते हैं और ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हैं। और वो चुनौती इस तरफ था जिसका नेता थे स्मरणीय बक्सी जगबंधु विद्याधर। तो उन्होंने एक निश्चित किया, तापंग नाम के छोटा से गांव से आते थे, तो निश्चित किया कि हम मरेंगे लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। और उनको उस समय वो जो गरिला वारफेयर जिसको आज कहते हैं, उस तरफ के गरिला वारफेयर में वो लोग पारंगम थे, लड़ते रहे, सरकार समस्त शक्ति लगाए लेकिन उन्होंने बक्सी जगबंधु विद्याधर को पकड़ लिया। और आप लोगों को नहीं पता है कि किसलिए पकड़ा गया, वो इसे पकड़ गए क्योंकि किस जब वो निस्व दरिद्र हो गए थे, महाराणा प्रताप जैसे छोड़ के चले गए थे, अपने राजा नहीं है, प्रजा नहीं है, संपत्ति नहीं है, एक जमींदार, एक सशस्त्र योद्धा, सफल योद्धा, लेकिन वो भटक रहा है, एक नदी पार हो रहा है। नदी के पार होने से पहले एक गरीब आदमी आता है, कहता है मैं कुछ दिन से नहीं खाया हूं। वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए, चलो मैं तुमको ले जाता हूं। वो उनको ले जाता है पुलिस थाना में, कहता है मैं ये देखिए इसको पकड़े, इसको इनाम दीजिए, क्योंकि उनका नाम इनाम था, इन भक्ति के नाम दीजिए क्योंकि मुझे, मैं बक्सी जगबंधु विद्याधर हूं, मुझे पकड़ कर लाया है। चुतुब इतना बड़ा बलिदान दे सकता है, इतना बड़ा त्याग कर सकता है, हम इनको इतिहास में कहां रखे हैं। उड़ीसा में कहीं ना कहीं लोग थोड़े से पढ़े होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता हूं उत्कल भूखंड के अलावा और किसी ने कहीं इस बारे में बात करता है और बक्सी जगबंधु विद्याधर को जानता है, जो भारत के स्वतंत्र संग्राम, प्रथम संग्राम का पहला महानायक है। तो मैं उनके बात करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, मैं इस सत्र के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से, इस वार्तालाप के माध्यम से, इस संगोष्ठी के माध्यम से मैं उनको विश्व जगत में परिचय कराना चाहता। दूसरा होते सुरेंद्र साय, हजारीबाग जेल में बंदी होकर उनका मृत्यु होती है, संबलपुर से आते हैं, आजादी का लड़ाई लड़े हुए। उड़ीसा का लगभग एक तिहाई आदिवासी संप्रदाय होते हैं, उन लोगों की भूमिका को आप स्वीकार करते हैं, कभी जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने भी क्या किया। देवीदेई सबर नुआपाड़ा गांव की एक महिला होती है जो बंदूक तोप में सज्जित सिपाहियों को अपने गांव से सिर्फ छोटी छोटी शस्त्र लेके लड़ाई करके अपने गांव से भगा देती, आप गांव को स्वतंत्र कर लेती। और हम फरासी इतिहास में जवान ऑफ आर्क को पढ़ते हैं, लेकिन नमीदेश सुवार को नाम किसने सुना नहीं है, नहीं सुनिए उनके। इसके पीछे तथाकथित राजनीति जो कारण है, आज समय आया है कि हम उन लोगों के बारे में बात करें। आजाद हिंद फौज के बारे में हम जानते हैं, सुने हैं, लेखा हुआ, लेकिन उड़ीसा का कोरापुट जैसे गांव को जिला है, आदिवासी अधिवसित अंचल है, और उस इलाके में लक्ष्मी पंडा नाम की एक महिला आती है, नेताजी सुभाष के साथ रहती है,
बर्मा से लेकर सिंगापुर से लेकर फरमोजा तक घूमती आती है। लेकिन उनके बारे में उड़ीसा के इतिहास में भी अगर खंगालें तभी शायद मिले, लेकिन विस्तृत रूप में कोई जानकारी नहीं मिलती है और बाकी भारत में छोड़ देती है। ऐसे एक और छोटी सी बालक की कहानी होती है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम तो कांग्रेस की थी, स्वतंत्रता संग्राम तो बड़े लोगों के था, लेकिन नहीं, इन महासंग्राम में जिन लोगों ने आहुति दी, इन यज्ञों में जिन लोगों ने आहुति दी, उनसे कई लोग थे और उनसे एक था, एक उड़ीसा के एक छोटा सा बालक। हम महाभारत पढ़ते हैं और महाभारत में अभिमन्यु के वीरत्व की गाथा सुनते हैं, लेकिन इस 14 साल का अभिमन्यु ने अपना प्राण का आहुति दिया, महाराज धृतराष्ट्र को उसने बंदी बनाने से रोका क्योंकि अर्जुन नहीं थे। ऐसे ही ये कहानी है एक 14 साल के बालक का जिसका नाम है बाजी राउत, राउत संज्ञा में इस्तेमाल करता है। और वो था क्या, प्रजा के आंदोलन हो रहा है, कांग्रेसी लोग लागे हैं, और मैं इंदिरा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं वो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, गांधी जी का कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मोतीलाल नेहरू का कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो उन लोगों ने एक आंदोलन चला रहा है, एक गांव में मीटिंग बैठा रहा है और बात कर रहे हैं हम कैसे आजादी का लड़ाई लड़े, कैसे आर्थिक रूप में सामाजिक रूप में हमें इसको स्वावलंबी कराए, सहायता प्रदान करें। और वो खबर किसी रूप में तत्कालीन अंग्रेज सरकार के जो ऑफिसर होते हैं उनको पता चल जाता है। एक पलटन लेके आते हैं, अच्छा पलटन लेके जो गांव जाना चाहते हैं दूसरे गांव जाते हैं, रास्ता में एक नदी पड़ती है, तो नदी बारिश का समय है, नदी बह रहा है, तो नदी पार होने का कोई बांध था नहीं, नदी के पास एक नाव चलता था, रात का समय है तो नाव चल रहा है, शाम के समय हो रहा है, रात भी नहीं हुई शाम के समय थे, तो जो नाव जो नाविक है जो केवट था वो चला गया, वो खाना खाने अपना बच्चा को छोड़ दिया, 14 साल का बालक बाजी का नाम है। वो कहा तुम अभी तो कोई आएगा नहीं, शाम अस्पन ने छोटे से काम में मैं जाता हूँ और तुम तब तक नाव में बैठना। बालक को तो इच्छा होता है मैं कैसे सिखाऊं कि नदी में देखू नाव तैराऊं, तो वो बैठा है। तब ये लोग आए, अरे बालक इधर नाव, देखा क्या हो रहा है, लेकिन उस बालक के अंदर ये पता था उसको कि वहां पे एक लोगों का विचार विमर्श चल रही है, वो लोग आजादी का लड़ाई लड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, अरे सरकार के विपक्ष के लोग हैं, अरे सरकार हमें गुलामी बनाया है, अरे गुलाम हम हैं और मालिक को, और मालिक आया है गुलाम पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, इसको कहते हैं तुम नाव लेकर आओ हमको वहां जाना है। तो बालक कहता है कि नहीं मैं नाव नहीं खोलूंगा। बोले क्यों नहीं खोलोगे, क्योंकि आप वहां जाओगे उन लोगों को मारोगे, वो हमारे देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं नहीं खोलूंगा। उन्हें बहते हैं फुसलाते हैं बगलाते हैं, बोला तुमको इतना पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो बालक कहता है कि नहीं मैं देश के गद्दार नहीं हो सकता, मैं राष्ट्र के गद्दार नहीं हो सकता, मैं राष्ट्र के विश्वासघातक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नहीं आओ तुम, नहीं तो तुमको बंदूक पर गोली से मार देंगे। डराते हैं धमकाते हैं, लेकिन 14 साल का बालक नहीं सुनता है, वो कहता है नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं छोड़ना नहीं, मैं आप नाव लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उन लोगों को निहत्था लोगों को मारना नहीं चाहता। आपने सुना है जनरल डायर ने जो जालियांवाला बाग में किया है, ऐसे ही घटना हुई होना था, लेकिन उस बालक ने नहीं नाव खोला। अंततः ब्रिटिश फौज के किसी व्यक्ति ने बंदूक उठाया और वो बालक के ऊपर गोली चलाया और उस बालक के यहां मौत हुआ, लेकिन उन्हें मौत को आलिंगन किया, स्वीकार किया, लेकिन दासता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने देश की विश्वासघातक नहीं किया। आज हमें कहते हुए हमारा सीना हमारी छाती गर्व से फूल जाती है, स्मित होता है कि देखिए जो 14 साल के बालक के अंदर देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने आजादी के लिए इतना अभिमान था, इतना नाज था, जान जाए पर नाव न खुले। लेकिन कितना लोग आज भारत में
कितना लोग आज इस बालक की बलिदान की कहानी सुनते हैं। मुझे अत्यंत आनंद की बात होती है कि आज की जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कम से कम उनके बारे में बात करने के लिए हमें थोड़ी सी समय मिला है, थोड़ी सी बात करते हैं। और इसी सिलसिले में थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं जो पाइक विद्रोह की बात करता था, मैंने ये कहा कि हमेशा जो आंदोलन होती है, आंदोलन के कुछ सिंबॉलिज्म होते हैं। अगर आप देखते हैं, एक आइडेंटिटी होती है, एक अस्मिता होती है। तो बक्सी जगबंधु का आंदोलन का अस्मिता उत्कल भूखंड की सर्वमान्य देवता प्रभु जगन्नाथ थे। और जैसे गांधी जी ने नमक को लिए, अमेरिकी लोगों ने चाय को लिए और अपना चुनौती मानी, एक सिंबॉलिज्म ली, इस तरफ पाइक विद्रोह का जो टोटेम के रूप में हम कह सकते हैं, जो एक अस्मिता के रूप में हम कह सकते हैं, वो प्रभु जगन्नाथ थे। और आज मुझे कहने में हर्ष उल्लास आनंद होते हैं कि प्रभु जगन्नाथ कोई जाति वर्ण संप्रदाय के भी नहीं होते हैं। हम ये भी कहते हैं कि जगन्नाथ की उत्पत्ति तो सवर्य संस्कृत देवता है। आज भी अणसर में प्रभु जगन्नाथ की 9 दिन तक वो सवरियो पूजकों ने पूजा करते हैं। तो इसलिए और उत्कल की और एक महान पंडित, महान स्वतंत्रता संग्रामी, जिनके बारे में एक बहुत कम पता है, उत्कल मणि हम कहते हैं, मणि कहते हैं, वो गोपबंधु दास लिखते हैं जगन्नाथ के बारे में, जानते हैं वो, उत्कल नेता रहो ना ही प्रयोजन, उत्कल नेता स्वयं नारायण। कहते हैं उड़ीसा में कोई लीडर की जरूरत नहीं है, कोई नेता की जरूरत नहीं है, क्यों, उनको नेता तो स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं नारायण है। तो उन नारायण को, उन जगन्नाथ को अपना प्रतीक मान के, अपना आंदोलन के सूत्रधर मान के पाइक विद्रोह का सूत्रपात हुई थी और लड़ाई लड़ी उन्होंने। और इस बारे में जो बातचीत होना चाहिए, जो जिसको लिखना चाहिए, वो हम नहीं लेके लिख, परंतु ये एक बहुत स्वर्णिम अध्याय है ओडिशा साहित्य इतिहास में। और आखिरी में एक और नारी शक्ति के आंदोलन की बात होती है। जब हम यहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश में रहता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं सुन काफ़ी सब उत्तर भारत में रहा है, और हम लोग अक्सर बड़ी गर्व संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ रानी लक्ष्मीबाई के नाम लेते हैं। और ऐसे ही उड़ीसा के इतिहास में भी एक रानी होती है और उनका नाम है रानी सुखदेई, और वो रहने वाले थे बांकी के नाम। अगर मुगल तत्कालीन मुगल रियासत देखते हैं, झांसी ऐसी कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी ऐसे ही, लेकिन झांसी रानी ने जो लड़ाई दिखाई, जो मर्दानी दिखाई, जो संकल्प ली, उसका अनोखे उदाहरण नहीं होती है, कहीं नहीं मिलती है। ऐसे ही उड़ीसा के रानी थी सुखदेई, जो ये बांकी नाम के छोटा सा कस्बा थी, छोटा सा राज्य थी, और उन्हें लड़ाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ी उन्होंने। और उनके जैसे महारानी लक्ष्मीबाई के पास तांत्या तुपु होते थे, उनके पास उनका दीवान बेवर्ता पटनायक होते थे, और दोनों ने संकल्प लिए कि हमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। तब वो कंपनी कहते थे उसको, क्योंकि तो अभी सरकार रही थी, तब कंपनी कहते थे, और कंपनी के खिलाफ लड़े उन्होंने, शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पछता स्वीकार नहीं किए। एक और टर्म कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे चीजें जो इंग्रेजी शब्द आते हैं बाहर से आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि आजकल शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते, उसका नाम होता है बेजल गेटेड। और उस शब्द की उद्धार ऐसे होता है, क्योंकि छोटा सा कस्बा में कि लोगों ने नाराज होते हैं, प्रजा को आते हैं, और ब्रिटिश सरकार का एक एजेंट होता है, पॉलिटिकल एजेंट जिसको रियासत करते, तो वो आए, तो उनका नाम तो बड़ी अत्याचारी क्रूर शासक था, तो उनको रात पे उनको व्यक्ति में झगड़ा होती है, तो उनके पास कोई अस्त्र नहीं होती, और वो लाठी होती है, बांस की लाठी, उड़ीसा में बांस बहुत मिलता है, तो बांस की लाठी होती है,
हम लोग लोकल इसको ठेंगा कहते हैं, तो उसको उठा के उन्होंने उसी में सिर्फ इनका सैन्य सामान जो इनके पास बंदूक था, गोलांदा तीर था, कमान था, लेकिन उनसे नहीं थे, डरे नहीं, और वो जो ऑफिसर था बेजल गेट उसको दंडे से वो मार दिए, उन्हें लाठी से मार देते हैं, और उस तो निर्मम हत्या होता है जो लड़ाई होती, और उसके क्योंकि वो कोई टर्म नहीं था, पर्सन वॉज बेजल गेट, तो उन्होंने कहा ही वॉज बेजल गेटेड, नो राइट। सो वी एक्चुअली हम लोग बहुत सारे चीजें ऐसे होता है, मैं भी एक उड़ीसा का छात्र हूँ, लेकिन मैं इतिहास का छात्र ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि स्तर में मैं जो छोटा मोटा पढ़ाई किया तो मेरे क्योंकि विश्वास था, श्रद्धा था शब्द के प्रति, मेरे जाति के प्रति, मेरे में जाति शब्द का इस्तेमाल हम उड़िया में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने राष्ट्र शब्द कहते हैं, तो जो कम्युनिटी समुदाय का प्रति है, एक अस्मिता का प्रति है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि जो लगे जो जैसे मैंने कहा इंद्र ने अवश्य बदासुर का वध किए, लेकिन दधीचि का बलिदान को छोड़ के बदासुर का वध नहीं हो सकता है, इसलिए इन आजादी के में समय में हम आजादी का जो यज्ञ हुआ, स्वतंत्रता यज्ञ हुआ, जिन यज्ञों में जिन लोगों का आहुति हुए, उन महान विभूतियों को हम स्मरण करें, जिनके बारे में शायद कम ही बातचीत होती है, शायद बातचीत होती नहीं है, तो इस अवसर पर आज उनका स्मरण करते हुए मुझे ये लगता है कि अगर आज थोड़ी सी भी हमारी तरफ से उनको कृतज्ञता ज्ञापन किया जाए तो बहुत कुछ नहीं है, परंतु एक सभ्यता के लिए, एक समुदाय के लिए, एक राष्ट्र के खंड के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें और मैं ज़्यादा लंबा नहीं भाषण देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आप ज़्यादा कहते हैं लोग नाराज होते हैं, कहते भाई कब ख़त्म करना है, तो सुनील गावस्कर कहते थे कि आपको रिटायर्ड तब होना चाहिए जब लोग कहते क्यों रिटायर्ड हुआ, ना कि लोग कहे पूछेंगे रिटायर क्यों नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको अपना संदर्भ वहीं समाप्त करना चाहिए जहाँ लोग कहना चाहिए क्यों संदर्भ के हम और सुनना चाहते थे। तो इसी शब्द साथ मैं एक और सभी को लिए कहता हूँ और वेद की अमृत वाणी के साथ में बंद करना चाहता हूँ, भाषण को विराम देना चाहता हूँ, वो होता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवान् भवेत्। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव का बहुत बहुत बधाई है, और इसके साथ में अपने शब्द को विराम देता हूँ, और मैं सभी आयोजकों सम्मान दिलाता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे कहने के लिए, मेरे वक्त पुस्तक स्थापन करने के लिए मुझे महान अवसर दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत के वीर साधक, खासकर उन अनगिनत अनाम वीरों के बारे में आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, महत्वपूर्ण आंदोलनों से हमें अवगत कराया, उड़ीसा का आज़ादी में योगदान को लेकर जो भी वहाँ के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और जो बालक है, उन सभी के योगदान को आपने बताया, और निश्चय ही ये हमें नहीं पता था, यहाँ पे और जो है उनको पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता था, इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे साथ यह साझा किया, और आने वाले समय में एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के द्वारा ऐसे कार्यक्रम और होते रहेंगे, तो ना केवल उड़ीसा के बल्कि हम भारत के और भी ऐसे राज्यों से इस तरह की और घटनाओं पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे और जो अनगिनत वीर हैं, जो अनाम हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनके बारे में जाने और उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए और उनको हम याद कर सके, नमन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर मनीष जी। प्रोफेसर मनीष जी इज प्रेजेंटली वर्किंग एज अ प्रोफेसर एंड डीन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। He has earlier served as fellow with the prestigious New Delhi-based defense think tank, the Institute for Defense Studies and Analysis, and also as an officer on special duty with the Government of India. The center published a magazine, Bodhi, under his editorship. His areas of interest, foreign policy and strategic security aspect. Now, I invite Professor Manishji to please deliver his speech. धन्यवाद प्रियंका जी। सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार, जहीद जी को बहुत बहुत आभार कि आपने आज इस अवसर पे हमको कंसिडर किया कि
हम आपके साथ अपने कुछ विचार इस पे शेयर करें। हमारे को पैनलिस्ट प्रोफेसर तपन और डॉक्टर अंशु जोशी भी हमारे साथ इस पोडियम पे हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जहीदुल जी कि आप हम सारे लोगों को एक साथ एक पोडियम पे ले आए। और मैं बड़े ध्यान से दोनों वक्तव्य को सुन रहा था। डॉक्टर अंशु जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी उपलब्धियां हैं फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स में, उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक इसी प्रकार से प्रोफेसर तपन की बात से एक बहुत अच्छी चीज जो निकल के आ रही है कि आज जब हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हैं, तब भी हमें अपने पूरे देश का पूरा इतिहास नहीं मालूम। बहुत छोटे छोटे आजादी के मूवमेंट्स हुए नॉर्थ ईस्ट में, डाउन साउथ में, ओडिशा में, और अभी भी हमारी समझ अपनी आजादी के आंदोलन के बारे में उतनी नहीं। आई थिंक ये जो आज संगोष्ठी हो रही इसके माध्यम से, और ये कार्यक्रम करीब एक साल तक अगले चलेंगे, हमें लगता है कि हमारी युवा वर्ग इससे जो है बहुत ज़्यादा इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा अपने देश के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो शुरुआत हुई ये प्रधानमंत्री जी ने मार्च में की। इस पर दांडी यात्रा के दिन से इस अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही उस दिन के उद्घोषण से ये लेना चाहूंगा। उन्होंने एक अच्छी बात कही थी अपने उद्घोषण, उन्होंने कहा था कि ये अद्भुत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेश भी वैसा ही है जो आज देश अमृत महोत्सव के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। गांधी की इस एक यात्रा ने आजादी के संघर्ष को एक नई प्रेरणा के साथ जन जन के साथ जोड़ दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि हमारे यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आका गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब है ईमानदारी, नमक का मतलब है विश्वास, नमक का मतलब है वफादारी। और आज जब हम एक नए भारत की निर्माण की बात कर रहे हैं, तो ये तीन जो कोर वैल्यूज हैं उसको हमें अपने युवा के साथ बताना पड़ेगा, हमें उसको शेयर करना पड़ेगा कि हम आगे इस देश को इन्हीं वैल्यूज के उस पर आगे लेके जाए। जैसा कि हम जानते हैं जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात है, ये एक्चुअली 5 स्तंभों पे विशेष जोर दिया गया है। पहला फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज की बात की गई एक्ट 75, अचीवमेंट्स एट 75 की बात की गई, एक्शंस एट 75 की बात की गई, रिजॉल्व्स एट 75 एंड आइडियाज एट 75 की बात की गई। हमारा अपना जो आजादी की क्रांति जो 1857 से शुरू हुई थी, जिसमें मंगल पांडे, तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आया, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया आजादी का, उस समय नए तरह के आइडियाज आए, उस आइडियाज को काफी जगह लिखा गया। आज हम अपने उद्घोषण में यही करेंगे कि उस समय के कुछ राइटिंग्स को गांधी की और पर्टिकुलरली हिंद स्वराज से कुछ हम अंश लेंगे, और देखेंगे कि आजादी के आंदोलन में वो जो नींव रखी गई उसमें, और आज जब हम अपने 75 साल मना रहे हैं आजादी के, तो हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ हमें और आगे लेके जाना है। तो इस तरह से हमने अपने थोड़े से लेक्चर को स्ट्रक्चर किया है। चूंकि ये फेसबुक लाइव भी हो रहा है और यूट्यूब के माध्यम से है, इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इस लेक्चर को
कहना चाहूंगा। नाउ व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल, इट वॉज वन ऑफ द की फाउंडेशंस ऑफ अवर फ्रीडम। नाउ एज आई मेंशन्ड, गांधी जी रोट हिंद स्वराज, विच वॉज अ वेरी स्मॉल बुक। He wrote it while he was on his way back to South Africa. It is generally said that Gandhiji completed it during his voyage itself. But Hind Swaraj actually appeared first in installments in the newspapers, which were actually founded by Gandhi himself. It took a shape of a book when it was published in 1909. It was a very short book, running into not more than 80 pages or so. Now, what were Gandhi's idea of Swaraj, which he attempted to clarify? And it's actually, when we talk in terms of self-rule today, when we talk in terms of Ek Bharat, Shresth Bharat, when we talk in terms of Swadeshi, I think many of these ideas actually go back, they have their roots, they originate from some of these ideas which come from the freedom movement and from the thoughts of some of our great leaders. Now, Swaraj had both traditional and a sort of a Western idea. In Hind Swaraj, when Gandhi presents an argument for India's self-rule, it has a characteristic of both Western and Indian thought. I'll tell you what's Western here. Western idea was in his political arguments and how to govern India. The most important argument, which was actually Indian in this sense, was that it was centered on the belief that socio-spiritual support of British political, economic, bureaucratic, legal, military, educational institution was inherent in the British rule, was exploitative. Gandhi was very critical of British rule. In particular, his ideas were deeply embedded in the might is right and survival of the fittest. That was primarily what he thought was the British idea. His demand for Swaraj actually represented a genuine attempt to what you call the regain control of self-respect, self-responsibility, and capacity for self-realization of from all exploitative institutions. Gandhi in Swaraj, Hind Swaraj, actually goes ahead. He wanted all those who believed in Swaraj to reject and completely uproot the British rule and to create systems and structures which will enable individual and collective social development. Also, he thought that it is a system where everyone will have an opportunity to pursue their goals and develop their personality. Now, as we talk of Hind Swaraj and Gandhi's ideas, this book actually allows us to understand also his philosophy about what the South Asian politics was all about in the 20th century. Hind Swaraj is a book that can be put even into the hands of a child because it teaches the lesson of love in place of hate. It aims is to replace violence with self-sacrifice. I think these are the ideas which are actually flowing from Hind Swaraj, but Hind Swaraj itself was primarily Gandhi's ideas, which was rooted more in Indian culture, tradition, and philosophy.
and I'll come to it subsequently. Gandhi writes in Hindu Swaraj, on non-violence, Gandhi inaugurated the most far-reaching critique of modernity that one can imagine, and though it must have struck the predominant number of contemporaries as a sort of an absurd piece of writing, Hind Swaraj for a reader of late modernity means a work of extraordinary prescience and insight. That is what Gandhi's vision was. And obviously his own freedom movement, his resistance to British was rooted in this idea. As I said, Gandhi's ideas were also rooted in Indian tradition. They are presented, although as a Western text, but they are more rooted in Indian tradition. In Gandhi's ideas, religion is the most important aspect of life. Though there is no distinct chapter which actually describes the role of religion, but he constantly discusses religion in Hind Swaraj. Gandhi says, religion are different roads converging to the same point. His religious values are obviously in line with the traditional Indian Hindu ideals, and the religious thought doesn't exactly mirror the majority or the Western Christian community. I mean, it's something which is entirely different. It is more rooted in the Indian tradition. Now, coming to his basic belief that all religion inherently strive for the same goal, all religion also point to the same truth, which is God. Now, Gandhi's roots of India's civil religion actually, as I said, rests in the traditional Hindu view of many paths of salvation. And why was this idea of religion important at that point of time? Because he brought religion close to Indian nationalism in his own modern view. This is something which we have to understand. Gandhi thought that Indian civil religion will indeed promote nationalism. Now, if we go further deep into the writings of Hind Swaraj, in fact, it primarily discusses about colonial imperialism, industrial capitalism, rationalist materialism, so on and so forth. Now, as I say, colonial imperialism means subjugation of one country by another. Now, what was Gandhi's view? Gandhi's views on colonialism were very distinct. He writes that as we are subjugated not because of Britishers are powerful, but because we have become too weak. He wanted to inspire the people to overcome the fear of colonialism and overcome through non-violent and truthful, which is satyagraha means. Now, this is something which is the most important aspect today as we celebrate our 75th independence. Gandhi wanted to replace colonialism with the will of people, democracy. He did not want to replace external oppressor with one as an internal oppressor. Therefore, colonialization was initially justified, though by various missionaries, Christian missionaries, but Gandhi indeed rejected all those ideas of colonialism. Coming to the industrial capitalism, which normally we understand is a means when the wealth is in the hands of few people and the majority is at loss economically.
But Hind Swaraj and Gandhi believed that driving force of imperialism or colonialism is capitalism. The Britishers colonized India because of their economic interests. And therefore, Gandhi rejected the capitalism on the basis of the fact that economic systems profit few, degrades labor, values machine higher than humans, and humanism has absolutely no. Villages were important in the scheme of things of Gandhi and Hind Swaraj. The third important aspect, which is the rationalist materialism, wherein technology is the expression of science, which is a modern civilization, has become a sort of a uncompromising rationalism. Gandhi's perception of technology was negative because he thought that it blinds humanism. But as we know, Gandhi was not completely against technology. As we celebrate our 75th year, we know what we have achieved in terms of modern science and technology. Gandhi, in Hind Swaraj, also questioned the so-called civilizing mission under the umbrella of colonialism. He would have made India to unlearn or forget everything which is unethical, brought by the Western civilizations to the shores of India. And therefore, he discusses the ethical issues between the colonizers and the colonized. Now, why we are debating all this? We are debating all these because these were some of the core ideals and elements and the values which actually translated into a freedom movement and was able to free India from the clutches of British in 1947. Though there were challenges at that point of time, India got partitioned. And post-partition, we've had another set of challenges. India had to start from scratch, whether be it, say, developing our own agriculture, developing our own education system, developing our own, say, network of industries. But as we stand today at 75th year, I think we have achieved quite a bit. There is a lot more to be achieved, though. Now, India will be commemorating its 75th Independence Day tomorrow. To mark the important milestone, during the course of next year, there will be events. India will celebrate the struggle for freedom, pay homage to its founding fathers, renew its resolve to its own aspirations. The new Bharat. But we will also have to understand the values on which we achieved our freedom. India today, as I always keep saying, is at the cusp of making a monumental forward stride. Its capabilities, whether be it in terms of emerging technologies, innovation, R&D, are now globally acknowledged. I don't want to discuss foreign policy and other issues because it has already been discussed by previous speakers. But India's growth trajectory has positioned India as a nation, as the world's one of the largest emerging economies. And India today is now set to become a 5 trillion economy in the years ahead. Despite the COVID challenge, which we have been witnessing,
our economic fundamentals are strong. And we have seen series of transformative reforms during this period. And therefore, we the people should be confident today of achieving our goal, turning India to be one of the largest nations with the whole idea which is rooted in India's culture, its civilization. And what I always keep saying, Vasudhaiva Kutumbakam. I think I'll stop here. And if there are any questions and all, we'll be happy to take. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फ्रीडम स्ट्रगल को इतने अच्छे तरीके से आपने बताया और हिंद स्वराज के माध्यम से आपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपने वक्तव्य में रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जी, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग? जाहिद जी, माइक आप माइक अनम्यूट करके बोले। जी सर, एक्चुअली जो हमारा ये स्ट्रक्चर है सर, बेसिकली हम लोग आपस में इसको डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन है, जो ओपन क्वेश्चन है, उसको हम ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं क्योंकि उसका सोर्स फेथफुल नहीं होता है। तो महंत जी, आप जैसे बोल रहे थे सर, बेसिकली मुझे आपकी भाषण से थोड़ा सा मुझे था, क्योंकि आपके थोड़ा रीजनल इस चीजों से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा ब्रीफ, अगर आप इंग्लिश में, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू डोंट माइंड सर, बिकॉज वो हिंदी में थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं हुई है कुछ, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इफ यू डोंट माइंड सर, एक ब्रीफ जो। नो नो, ओके ओके, नो I am comfortable in English, so no issue that. I thought because Tim is speaking of our audience, so I wanted to speak in Hindi. But it's okay. And what I actually meant that the historic celebration of 75th of years of India's independence has also provides us an opportunity to discuss and analyze that part of history which some people call as subaltern or subaltern history, and the forgotten heroes and heroines of India's freedom struggle. I try to locate them in a context of which I am familiarized with, that is in the state of Odisha. Right, I am also sure, as Priyanka was telling always a few minutes ago, that there are also number of such heroes and heroines and small guys, people with whom, about whom we are not aware of, right? And their number are many. So unfortunately, otherwise, we have celebrated only a few of them, right? And most of them has of course been to families of particular people. But there are lot of people who are sacrificed more, including their life. And it gives us an insight that we cannot celebrate our success without recognizing those bits. So it is like a human body which constitutes of a large number of cells or billions of cells. So each cell is an autonomous independent unit, and yet it plays its part in the functioning of entire human body. So in the same way that it is a narrative of understanding the contributions of people whom you have not put in the pages of history. And that is why I said sometimes our history writers have been partial, and more often than not, the history that is written is the history of the ruling class. That's what I said. I have quoted Karl Marx, who said, the idea, the ruling ideas are the ideas of the ruling class. So the class which is ruling, if it thinks that this should be dominant idea, then that becomes dominant idea.
same ideas has been of course been constantly thrown to us through different media, to which the Italian writer Gramsci said it becomes a hegemony, right? And we continue to do it, hegemonize one particular section over the others, and use different sets of media, to which the French writer Louis Althusser calls ideological state apparatus. So be it is our media, be it a print or electronic, be it the social media now, or previously government publications, so they continue to bolster a particular form of image. So that's what I am saying, that in our history or analysis of India's freedom struggle, we have prioritized and given prominence to the non-violent freedom struggle led by Mohandas Karamchand Gandhi or Gandhiji. But this would have been unfair to the people who led an equally powerful struggle and they were killed. So it was not a non-violent one, it's a violent one. Be it Champaran, be it Chauri Chaura, or be it the death of the Bajirao in Odisha, be it death of Rani Lakshmibai, Tantya Tope, or for that matter, Bagajatin, or many other history. So what would happen in our understanding of history, we have created that Congress Sabala Octavian Hume as of two parts, the extremist and the moderates. And historically, we had given prioritized or prominence to moderates and forgotten about the heroes whom we call now extremists. My problem is that they are not extremists. They were the people who believed in and ideologically that we may not win a war with Britishers, given our limited opportunities, limited participation, limited capabilities, but we certainly can give them a lesson. And that was one aspect of it. So be it, that is why I said, when you teach our students that Kakori train robbery is a robbery, but that was told to us our history by the Britishers. And when you think as a robbery, then you mean the means of robbery is about to self-aggrandizement. If I am going to steal something from house, then I will use it for my own benefit. But was it train robbery was made to benefit the people who robbed it? Certainly not. And therefore, when that, and in law, we talk about there must be intention, there must be a motive, right? So when a mother who said there is no hope of her surviving, she cannot survive, but she had two small children, child. And she said, what will happen if I die? So she gives poison to these two child, and then she sacrifice, kill herself. So there, the motive was not to kill. The intention was, the idea was that she has a larger limit. And what will happen to these guys if I leave it? So can I call them as a murderer? Of course, technically they are. So similarly, we are using the British's analogy, their framework to do that. And even to the extent, people like Lala Lajpat Rai has often been forgotten in our history, right? Except some part of Punjab. We do not many people are known about Lala Lajpat Rai. We know a little bit about Bhagat Singh because we have filmed him, but we don't know about Madan Lal Dhingra. So the idea about, we don't know about Badrinath Ghosh, except Bengal, where there's a square called BBD Park, that is called Badal Binod Binayanath Park, but we do not know about these three people. We only have a limited understanding of Khudiram Bose, but we don't know many others. So my whole idea was that it also provides us an opportunity, even at a regional level, at a local level, to highlight, understand, and recognize the contribution of the people, those who have made to the freedom struggle. So if I consider it as a yagya, as a sacrifice, then yagya has many ahutis. So these are the small ahutis. As you say, kwang va swaha, agnaya swaha. So we are always sacrificing them. So we need to understand even our 108 ahutis, that is, each one of them are important, because each of them, one of them, are given to each one of God. So similarly, for us, these are unwritten popular culture part of them. And it is high time that Government of India, I must request the Government of India or Indian Council of History, that we must document these heroes. We must make booklets of them.
we must make them into part. Instead of reading history the way we are reading by this eventuality, it is important now that every state, apart from, you know, the orderly state, must identify, and we must put them our history textbooks, so that however smaller may be, we should know that there are the people who have made contributions. So जैसे कहते हैं ना, जल और जलबिंदु पड़ने से घटा, अगर एक बिंदु बिंदु जल होती है तब घट अर्थात हम लोग जो पात्र है वो भर जाता है. तो हम जो घड़ा भरना चाहते हैं वो बिंदुओं को भूल जाते हैं, बिंदुवत जल को भूल जाते हैं. तो जो माई ओनली कंसर्न वॉज दैट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वॉन्टेड माई ऑडियंस टू बी अवेयर ऑफ. Of course, it is fact that I am not coming from a Hindi-speaking language territory, and my Hindi will be obviously limited. But I always believe that it must be an opportunity that to communicate in the language which people will be comfortable with. And I know today even how many percentage of Indian would be able to learn English. Right? I am comfortable with it, so I could make it a global audience. But I also thought the people who have limited understanding of Hindi, and because I am speaking such a way that maybe some other part of Odia who are listening to, they would be better able to understand that. But that's only an effort. I don't claim that I could speak as good Hindi as like Manish or as good Hindi as, you know, Anshul. Certainly not. But I had made this a platform that actually, speak as a Hindi. I made this request for for my personal benefit, sir. Actually, I don't understand completely. But I was sure that you were talking very important thing, so that's why I repeatedly I want to catch up that. That's why that question. Please don't take it. Please don't take it otherwise. No, sir. Would you like to add something? Mostly I told that what it was said. I said, no, Swami Vivekananda once said, if you don't have love for your identity, अगर आपने अपनी अस्मिता के प्रति गर्व नहीं है, अपने संस्कृति के प्रति गर्व नहीं है, अपने विरासत के प्रति गर्व नहीं है, तो आप एक व्यक्ति नहीं हो सकते. क्योंकि हम एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ठीक है. क्योंकि जब हम मानते हैं भाई हम अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, हम जीसस के बारे में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, हम अपने कल्चर के बारे में नहीं कह सकते हैं. बहुत सारे बच्चे मैं भी देखता हूँ तो कहते हैं नहीं, अरे हम हिंदी बोलना तो मतलब ये कहना है तो गरीब आदमी होगा या लोकल होगा, देहाती होगा, हम ऐसे सोचते हैं. और वो कहता है यार ये तो इंटरनेशनल बात करते हैं. हम इंटरनेशनल तब करेंगे जब हम नेशनल है, लोकल है ना भैया. सो वी नीड टू बी एट द लोकल लेवल. वी शुड नो, यू नो, जैसे गांधी कहता है ना, यू मस्ट एंश्योर दैट आवर फीट इज इन द ग्राउंड बिफोर यू वांट टू फ्लाई. सो आई वांटेड दैट टू से दैट यू शुड नो द लिटिल बिट ऑफ योर ट्रेडिशन, योर कल्चर, योर लैंग्वेज, योर हेरिटेज पैटर्न. अब इसलिए मैंने कहा जो कालिदास ने भारत की जो वर्णना बताई बहुत अच्छी बताई. उसने कहा कि जो उत्तर की दीवार, नो, इन द नॉर्दर्न साइड द माइटी हिमालयज, ईस्ट एंड वेस्ट साइड देयर आर दिस सीज, एंड द साउथ देयर इज एन ओशन. ये विश्व की वंदना है, भारत की वंदना है. और मैं गर्व के साथ कहता हूँ विश्व के ऐसे कोई राष्ट्र नहीं है जिसका नाम में एक महासागर नामित है. आप मुझे बताइए. और अगर ये चीज हमारे गर्व की बात नहीं और हमारे प्रतिभा की बात नहीं, हमारी भारतीय सभ्यता की बात नहीं, सांस्कृतिक और परंपरा की बात नहीं है, तो फिर किसकी है? दैट इज व्हाई आई वांटेड टू से दैट. एंड ऑफ कोर्स माय अपोलोजीज दैट यू नो आई हैव माय लिमिटेशंस. दैट इज इट. सो थैंक यू या मनीष. ना सॉरी, आई हैव टेकन योर टाइम. मनीष सर, यू वुड यू लाइक टू? नहीं, एक्चुअली अपनी भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं जैसा तपन. See, उसकी एक जो वजह है, बिकॉज एंड दिस इज अगेन ए कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट, बिकॉज वी ऑल हैव बीन ब्रॉट, ट्रेन्ड, टॉट इन इंग्लिश मीडियम. आई मीन हायर एजुकेशन इज प्राइमरली टॉट इन इंग्लिश मीडियम इन मोस्ट, इन फैक्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट सम स्टेट यूनिवर्सिटीज. सो यू थिंक इन अ सर्टन टाइप ऑफ वे. बट द पॉइंट विच तपन वॉज मेकिंग वॉज इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. And why this is an important point? See, the role of history becomes very important when it comes to the idea of a nation. Unfortunately, what has happened in this country is that our history itself is very lopsided, right? As he rightly points out, there are many people, many parts, say, for example, from Orissa, there were a lot of British resistance movements. But unfortunately, when we construct a national history of freedom movement, not these episodes come. So that's one problem. Again, Northeast, we keep
saying Northeast is to be integrated in India. Northeast is part of India. But unfortunately, people in rest of the India don't know about Northeast because they have never been taught about. Northeast itself had its own history of freedom movements, small bits and pockets, but that was not integrated in the national mainstream. So I'm just giving you examples. So that was one problem in our history. The second problem is in terms of concepts. And this is, again, when he brought in Chauri Chaura, right? We have to take into factor this point that, see, our concepts have to be rooted in a construct, right? A concept which emerges in Western society. In fact, the idea of nationalism, I brought it that religion has an important component when it comes to nationalism. But look at the Western concept. Religion has no role, right? When we borrow that concept and try to integrate it in a system, in a nation, which is as diverse as India, then it loses its meaning. Precisely this is the point why we keep debating today on the idea of secularism. Secularism is an alien idea in a construct. Religion has an important role to play. Gandhi and Hind Swaraj actually talks of religion. And he tries to bring in, as part of the freedom movement also, Bal Gangadhar Tilak did the same. So I think the point which Tapan was trying to make was plain and simple. He told that we have to develop our own concepts and categories when we write history. That's number one. Number two, the scope of history also has to be broadened because it has to do with the national construct. I think these two points are very important. And we should be taking this opportunity to do some writing and rewriting of our own histories. Because I think we have to go forward. We have to teach our children who have not seen, who are not basically the part of the freedom movement generation, right? So now this history becomes equally important to all of us. Priyanka, now we're running out of time, so we must wind up here. मैं मनीष सर से कुछ पूछना चाह रही थी, जानना चाह रही थी, छोटा सा अगर 2-3 मिनट में बता रहे हैं। जैसे हम भविष्य की, भारत की भविष्य की संकल्पना कर रहे हैं, तो जैसे आपका फॉरेन पॉलिसी आपका इंटरेस्ट है, सर हम फॉरेन पॉलिसी को किस रूप में देख सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में भारत अपने विश्व में मतलब ऊंचा स्थान बना पाए? तो फॉरेन पॉलिसी को आप किस रूप में देख रहे हैं सर अभी? नहीं, फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, आई डोंट डिनाई दिस, राइट? बट वी हैव अचीव्ड क्वाइट अ बिट. इट्स अ वेरी, लुक एट अ पॉलिसीज कॉल्ड नेबरहुड फर्स्ट, राइट? Prime Minister Modi was the first Prime Minister who indeed thought of neighborhood. And in his swearing-in ceremony, in fact, he invited all the head of states for the swearing-in ceremony. In his foreign visits, the first country, if you remember, he made it a point to go to Bhutan, followed by Nepal, right? Because he wanted to establish this point that all these countries, whether they are big or small in terms of their size and population, are equally important when it comes to international system. That was the message which was given. Number two, no prime minister can ever dare to actually make a visit to Pakistan as Prime Minister Modi did.
It was an unscheduled visit because Prime Minister wanted to bring peace even with your Western neighbor. But obviously there are challenges in the region. These challenges do not rest on us. See, it also rests on our neighbors to reciprocate. In the same way, look at the expanse. Today we talk in terms of Indo-Pacific. Today we talk in terms of climate change discourses. So our foreign policy is not just limited to interstate relations or military diplomacy. We are talking in terms of ideas and issues which have a global impact, right? And trust me, I mean, I keep reading and writing from what is published elsewhere across the globe. India is seen today with high regard and respect, which was not the case. I mean, there have been challenges in the past 1.5 years due to COVID. But our fundamentals are strong. And I think it is these fundamentals which are going to take you forward. I think we have to have this self-esteem and self-respect so that we are able to place and position ourselves. And trust my words, we are not too far behind when people from other countries will come to our own place, to our own academic educational institutions as our children are going abroad. So I think I'm very optimistic. We are on the right track. Our fundamentals are strong. But we have to have a great resolve to make things better for us. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब मैं विधिवत धन्यवाद के लिए डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी को आमंत्रित करती हूँ. सर माइक अनम्यूट कर ले. धन्यवाद प्रियंका. और मुझे ऐसा लगता है कि विधिवत धन्यवाद देने के लिए जैसा आज कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीजें इतने खुल के डिस्कस की है. तो मैं आज के दिन का जो ये समापन है, सफल समापन आजादी के अमृत महोत्सव का, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग ने आयोजित किया है एकेडमिक पॉलिटिकल विंग की ओर से, आज पहला दिन था. और पहले दिन में आज दो सत्र का ये दूसरा सत्र है. पहला सत्र दिन के 11 बजे से 1 बजे के बीच समापन हो चुका है. इस सत्र में वक्ता के रूप में हमारे बीच रहे डॉक्टर अंशु जोशी जी, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर तपन महंती जी भोपाल से, उनके इंस्टीट्यूशन का नाम एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ इस समय, लेकिन भोपाल से लॉ, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ, आई थिंक, सॉरी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सॉरी सर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सर, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी. प्रोफेसर मनीष जी जो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, आप सभी ने इतने अच्छे से जो भी विषय हमने चुना था, हमारा जो थीम था बेसिकली इस प्रोग्राम का, वो ये था कि आज़ादी के जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद हमारे अचीवमेंट्स क्या रहे, और उसके साथ साथ फिर फ्यूचर में हम जो इंडिया है इसको हम कैसे कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं, इसकी जो संकल्पनाएं है उसको हम कैसे करते हैं. इन तीनों विषय को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से हम लोगों ने बातचीत की. कार्यक्रम में अनेक लोगों ने हमें लाइव इस कार्यक्रम में हमें देखा है, और ये कार्यक्रम अब फेसबुक और यूट्यूब में सेव हो जाएगा. दर्शकों में से जब जो चाहे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने मित्रों के साथ, क्योंकि ये हाईली इंटेलेक्चुअल डिबेट डिस्कशन था, तो इसको विद्यार्थियों तक भी शेयर किया जा सकता है, और मुझे मेरे ख्याल से इसको करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को भी इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एकेडमिक पॉलिटिकल विंग जो है वो एक राजनीतिक विचार मंच है. इस मंच से के माध्यम से राष्ट्रवादी दृष्टि से, राष्ट्रवादी हम
इस सेंस में कहेंगे कि राष्ट्रवादी देश की दृष्टि से, देश की हित की दृष्टि से हम एकेडमिक जो है उनको कैसे सोचना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, किस तरह से योजनाएं बनानी चाहिए, उन योजनाओं को किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पे हम बातचीत करते हैं। इसलिए एकेडमिक पॉलिटिकल विंग को हम राजनीतिक विचार मंच का नाम भी देते हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम में हम लोग फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे लगातार। और हमें ये उम्मीद भी है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत सारे लोग आप सुझाव भी देना चाहेंगे कि किस तरह के कार्यक्रम आने वाले दिनों में और हम आयोजित कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मतलब एक साथ करते हुए, इन सारी चीजों को एक उद्देश्य, एक मोटो के तौर पे देखते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम से जुड़े और सभी जो हमारे तकनीकी लोग हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। विश्व के जिन जिन देशों से लोग हमारे साथ जुड़े उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ ही जो प्रियंका हमारे साथी है संचालिका, इन्होंने इतने बखूबी इस कार्यक्रम का संचालन किया है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसके साथ साथ आप प्रियंका, आप और कुछ है या फिर हम लाइव वीडियो को एंड कर सकते हैं? नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस इस कार्यक्रम का जो दूसरा दिन है कल, वो हम 4 बजे से है और उसमें जो है एक तरह से कविताएं, नृत्य और गीत भी है रखा है हमने उसको एक स्वतंत्रता दिवस के संध्या के अवसर पर। तो कल फिर आप सभी जितने भी हमें देख रहे हैं वो 4 बजे हमारे इसी फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं और लाइव उसे देख सकते हैं। जी, तो इसी घोषणा के साथ हम सभी इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं और इस लाइव प्रोग्राम को अभी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। भारत।